हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या चश्मा लगाना पड़ता है या चश्मा लगाना ज़रूरी है, इसके विषय को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या चश्मे की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसके पीछे तीन फैक्टर काम करते हैं, इसमें आपको सर्जरी कौन सा आप करा रहे हैं या कौन सा लेंस का चुनाव कर रहे हैं, इसको लेकर चश्मे का डिपेंडेंसी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। अब सर्जरी में कौन सा लेंस आप चुनाव कर रहे हैं, यदि आप मोनोफोकल लेंस का चुनाव करेंगे तो आपको दूर का जो विजन है वह क्लियर हो जाता है, जबकि पढ़ने लिखने या चावलदार साफ करने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ऑपरेशन हो गया है तो आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या चश्मे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये चीज़ पूरा का पूरा आपका सर्जरी और लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस लेंस का चुनाव किया है और आपकी आँख किस लेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल है। और दूसरा दोस्तों, मल्टीफोकल लेंस होता है, मल्टीफोकल में ट्राईफोकल, बाईफोकल और ईडीएफ लेंस होते हैं। अब तीनों में अलग अलग टाइप के लेंस आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के लेंस आते हैं, अलग अलग फीचर होते हैं। तो बाईफोकल में क्या आपको मिलेगा, बाईफोकल लेंस का यदि चुनाव कर रहे हैं तो आपको दूर का और पास का विजन क्लियर हो जाता है, जबकि आपको इंटरमीडिएट का वर्क करना है, जैसे कि डिजिटल ज़माने में आपको कंप्यूटर का भी वर्क करना है, थोड़ा दूर करके भी कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में आपको चश्मा लग सकता है। तीसरा ट्राईफोकल है। अब ट्राईफोकल में दूर का और पास का और इंटरमीडिएट का तीनों विजन क्लियर हो जाता है, तो ट्राईफोकल में चश्मे से डिपेंडेंसी आपकी पूरी की पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि आप किस लेंस का चुनाव कर रहे हैं उसके ऊपर चश्मे की डिपेंडेंसी कम होती है या ख़त्म हो जाती है। तीसरा ईडीएफ लेंस होता है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, यानी कि दूर की रोशनी आपकी सही हो जाएगी और इंटरमीडिएट का बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जबकि उस बारीक काम आपको करना है, चावल दाल सिलाई बुलाई कढ़ाई या पढ़ना लिखना, तो ऐसे कंडीशन में आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा दोस्तों टोरिक लेंस होते हैं। टोरिक लेंस यानी कि आपकी आँख में कोई सिलेंडर पावर है, चश्मा लग रहा है 0.75 से ऊपर का, तो कंडीशन में आप यदि टोरिक लेंस का चुनाव नहीं करेंगे तो आपको दूर के लिए भी चश्मा लग सकता है, चाहे वह मोनोफोकल हो, चाहे बाईफोकल हो, चाहे ट्राईफोकल हो, चाहे ईडीएफ लेंस हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि चश्मे से डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है और चश्मा आपको कब लगाना नहीं पड़ सकता है। तो ऐसे में यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले समय में जो भी वीडियो हम आपसे संबंधित आपके साथ डालेंगे तो उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप भविष्य में आपको आँखों से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।